अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्टर सीड की। तो आज कैस्टर सीड का जून वायदा ये 7,510 पर कारोबार कर रहा है। कल की अपेक्षा आज हल्का सा मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कैस्टर सीड अभी 7,500, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 7,500 का स्तर संभव है, वो बन सकता है। उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तब तेजी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहले भी हमने यही देखा था कि 7,500 के सपोर्ट पर मार्केट जो है नीचे ब्रेकडाउन दे दिया था और प्राइसेस में काफी करेक्शन देखने को मिली, और अभी भी वही रेंज फिलहाल बनती दिखाई दे रही है। और एक्सपायरी है मई वायदा की, और जून वायदा की बात करें तो वो ऑलरेडी 7,500 के ऊपर है। अगर यहाँ से अब सस्टेन करता है मार्केट तो 7,600 से 7,800 के स्तर कैस्टर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब इन लेवल्स के ऊपर हो सकता है थोड़ा सा डिमांड और पिकअप होती हुई नजर आए। अगर प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन करते हैं तो तेजी का रुझान बन सकता है जी। अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें रूपा जी, तो जहां तक कपास के दाम रिकॉर्ड स्तर पर है और वहीं कपास खली 2800 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है कि कपास खली 3,000 का स्तर कब तक छू लेगा और आगे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, अभी 3,000 का स्तर तो संभव नहीं है। कपास खली में बहुत सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। अगर 3,000 का स्तर एक्सपेक्ट भी करें तो थोड़ा सा लंबा टाइम देखने में हो सकता है कि लंबे टाइम के बाद आपको ये लेवल्स देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है काफी सुस्त है और कॉटन के अंदर नो डाउट तेजी है, उसकी वजह से ये अभी बाजार जो है वो पॉजिटिव खड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर लेवल जो बनता था इसका, यहाँ पर 2600 तक की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकती है। हाँ, नो डाउट अगर हम हाजिर बाजारों में देखें तो वहां पर कपास खली महंगी है, इस वजह से यहाँ पर भी मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है। और जून वायदा में मुझे लगता है कि जो रेंज बन सकती है वो डेफिनेटली 3,000 का स्तर ऊपर में हो सकता है और नीचे में 2600, तो यानी 2600 से 3,000 की रेंज फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी में ना रहे, इसमें मेरे हिसाब से फिलहाल बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखे। तेजी की अभी बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश बनती दिखाई नहीं दे रही जी। तो मसालों पे सबकी नज़र हमेशा से बनी रहती है रूपा जी, तो अब अगर हम बात करें मसालों की, तो आज धनिए में 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और जीरे में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो मसालों पर आपकी क्या राय है? मसालों में देखिए, कल तेजी देखने को मिली थी, आज ऊपरी सरों से वापस से थोड़ा सा मार्केट करेक्शन में आया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मसालों में भी तेजी का रुझान बना रह सकता है और फंडामेंटल काफी सपोर्टिंग है इन दोनों कमोडिटीज के। धनिया की बात करें या फिर जीरे की, तेजी बनी रह सकती है। और हल्दी में जैसे कि मुझे एक्सपेक्ट है नीचे में 7,800 तक का अगर लेवल आता है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेक्स्ट मंथ में बाइंग करने की। लेकिन आज हल्दी भी तेज दिखाई दे रही है, आज हो सकता है आपको 8,400 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे। तो मसालों में पॉजिटिव रुझान है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। धनिया 12,000 के ऊपर सस्टेन कर सकता है, जीरा भी 22,500 से 23,000 के स्तर छूता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तीनों ही मसालों में खरीदारी करके चला जा सकता है जी। तो जैसा रूपा जी ने बताया कि मसाले में तेजी का रुझान है और फंडामेंटल्स भी इसके स्ट्रांग हैं, तो आप आगे बाइंग करके मसालों में चल सकते हैं। तो रूपा जी, मेरा सवाल ग्वार से है कि ग्वार पे आगे कुछ क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्वार के अंदर अभी देखा जाए तो ग्वार में भी पॉजिटिव रुझान है, ग्वार भी ऊपर जा सकती है। मेरे हिसाब से ग्वार के अंदर भी खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है और जो भी करेक्शन आती है उसके अंदर फिलहाल खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है जी। रूपा जी, अगर हम बात करें खाद्य तेलों की, तो आज खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिलेगा? और जहां इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया था और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सूरजमुखी का तेल भी नहीं निर्यात हो पा रहा है, ऐसे में देश में खाद्य तेलों का बाजार आने वाले समय में कैसा देखा जा सकता है? देखिए, खाद्य तेलों में अभी ऊपरी स्तरों से हल्का सा दबाव जरूर हमने आते हुए देखा, लेकिन स्टेबल है मार्केट, गिरावट का रुझान नहीं है। मुझे लगता है कि आगे चलकर जो है प्राइसेस को जो है बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो पाम तेल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा है वो एक्सपेक्ट है कि वो अब जल्द ही उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी जो एक्सपोर्ट बंद किया गया है उससे काफी हद तक खाद्य तेलों की कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट आते हुए हमने देखा है। अब जैसे कि हम गेहूं के ऊपर देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट पर रोक लगी है, तो मुझे लगता है कि जो अब ये रुझान है
खाद्य तेलों का कीमतों में जो तेजी आई है उसको रोकने के लिए एक बार फिर से जो इंपोर्ट है उसके बैन को हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से गेहूं के एक्सपोर्ट पर इंडोनेशिया को बैन लगा दिया गया है। अब ऐसे में हो सकता है कि इंडोनेशिया भारत से अगर गेहूं खरीदना चाहता है तो उसे अपना जो उसने फार्म पर बैन लगाया है उसे हटाना पड़े, ताकि यहाँ पर हम खाद्य तेलों की कीमतों को कंट्रोल कर पाए। तो अभी अगर बैन हट जाता है तो वापस से आपको जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए बाजार पॉजिटिव है और आगे चलकर भी जो सप्लाई और डिमांड जो है वो अभी भी मिसमैच है, इस वजह से तेजी का रुझान तो बना रहेगा, लेकिन एक बार कीमतें हो सकता है कि बैन हटने के बाद नीचे आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बैन हट सकता है, और अगर हटता है तो प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड में जाते हुए नजर आ सकते हैं। रूपा जी, सोयाबीन का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, सोया में भी बाजार जो है मुझे लगता है कि उसके अंदर तेजी का ही रुझान है फिलहाल के लिए, तो मार्केट जो है पॉजिटिव है और इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है और इसमें भी खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। गिरावट तो देखिए बन नहीं रही है, लेकिन तेजी भी थोड़ा सा हो सकता है कि रुक रुक कर बनती दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर कपास में 50,000 के पास ये कारोबार कर रहा है तो कपास में गुलाबी सूंडी के कारण इसका उत्पादन जो है उसमें ये वो भी प्रभावित हुई थी, तो पिछले साल प्रकृति की मार और कीटों के प्रकोप के कारण उत्पादन में भारी गिरावट भी देखी गई, तो कपास की रिकॉर्ड कीमत होने के बावजूद विश्व बाजार में निर्यात में कमी भी देखी गई है, तो आपका क्या कुछ कहना है कपास को लेकर? देखिए, कपास की जहां तक बात है, कपास में नो डाउट अभी भी कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, किसानों को काफी अच्छे भाव मिलते दिखाई दे रहे हैं और अभी भी कपास की फसल को किसानों ने काफी हद तक रोक कर रखा हुआ है। कपास का सीजन अभी खत्म हो चुका है, बावजूद इसके हम इसमें मार्केट के अंदर इसके अंदर डिमांड निकलते हुए देख रहे हैं, जिससे कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अभी ये कंटिन्यूशन में रह सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से काफी हद तक हमने देखा है एग्री कमोडिटीज को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है और कपास भी इन्हीं में से एक है, जिसके चलते अब हम देख रहे हैं कि मंडियों में लगातार 200 से 300 रुपए की उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है, प्राइसेस काफी अच्छे अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी भी जो 50,000 के ऊपर ग्वार निकल चुका है, ये क्या हो सकता है कि 50,800 के स्तर को छूता हुआ दिखाई दे, और महाराष्ट्र की मंडियों में जो है हमने देखा है हाजिर में 14,000 तक भाव जो है वो पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 15,000 का स्तर भी हमें घरेलू बाजारों में देखने को मिले, तो अभी तो जो सिनेरियो बना हुआ है वो पॉजिटिव है, क्योंकि क्रॉप लोग निकाल नहीं रहे हैं बाहर और कीमतों में तेजी का अंदेशा लगाकर जो है होल्ड किया हुआ है पोजिशनों को, तो मुझे लगता है कि ये तेजी अभी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, गेहूं की बात करें तो भारत सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया भर के देशों में हलचल मच गई है, वहीं चीन भी भारत के सपोर्ट में अब उतरता दिखा है और विदेशों में गेहूं के भी जो रेट हैं वो भी अब बढ़ने लग गए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है गेहूं को लेकर? देखिए, गेहूं में कीमतों में रिकॉर्ड तेजी फिर से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए सरकार ने जरूर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा है कि गेहूं की कीमतें थमती नजर नहीं आई हैं। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो काफी क्राइसिस है गेहूं को लेकर, तो इसीलिए और यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और गेहूं निर्यात पर अभी प्रतिबंध लगाने से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफी खलबली देखने को मिली है और गेहूं के दाम वहां पर अगर देखें तो 435 यूरो तक पहुंच चुके हैं, यानी कि डॉलर में बात करें तो $453 प्रति टन तक कीमतें पहुंच चुकी हैं, और ये दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि गेहूं की सप्लाई जो है वो बाधित हुई है और उसकी वजह से लगातार कीमतें उछाल की तरफ है, और भारत दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का प्रोड्यूसर है, सेकेंड नंबर पर आता है, तो ऐसे में अब यहाँ से गेहूं जो है विदेशों में भेजने का जो दौर चल रहा था, एक्सपोर्ट निकल रहे थे, अब उस पर बैन लगने के बावजूद विदेशी बाजारों के अंदर गेहूं की कीमतों में और उछाल दर्ज किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर गेहूं की कीमतें जो भी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने
बैन लगाया, उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कीमतें अभी कंट्रोल नहीं हुई हैं, अभी भी कीमतों में तेजी का रुझान है। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां तक देखा जाए अदर कंट्रीज को अभी गेहूं की काफी जरूरत है, और जिन कंट्री को ज्यादा जरूरत है हो सकता है पहले उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी कीमतें कहीं भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कि रुक जाए मार्केट, लेकिन आगे चलकर अभी भी तेजी ही बनी रह सकती है। जी रूपा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आज एग्री कमोडिटी में इंट्राडे के लिए क्या करके चले? देखिए एग्री कमोडिटी के अंदर अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है मसालों के अंदर ही डिप पर बाइंग की तरफ रहा जा सकता है। आज हल्की करेक्शन में मार्केट जा सकता है, आज गिरावट देखने को मिल सकती है, धनिया जो है 11,500 तक लुढ़क सकता है, तो शॉर्ट टर्म छोटी सी करेक्शन के लिए सेलिंग किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, डिप पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो ये थी रूपा मेहता जी की राय। तो रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो सिलसिला बाजारों के में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।